हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूँगी। तो ये मेरा बालकनी का छोटा सा गार्डन है, वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तो छोटा छोटा टमाटर हुआ है, तो एक टमाटर लाल होने को आया है। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। सुबह सुबह पौधों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। देन मैं घर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो सारे टॉय वगैरह सेग्रीगेट करके रख दूँगी अपने अपने जगहों में। तो आई उसे से फैला के रात को रख देता है, तो मैं सुबह उठ के ही ये सब साफ करती हूँ। रात को मेरे से नहीं होता है। तो चलिए दिन का आरंभ करते हैं। तो मैं घर को अच्छे से ग्रूमिंग कर लूँगी। तो इधर मैं घर का ग्रूमिंग ख़त्म करके थोड़ा न्यूज़ लगाने आई थी। तो क्या चल रहा है, सुबह सुबह देखने में अच्छा लगता है। तो उधर आयुष भी उठ गया था, तो सारे बच्चे को तो सुबह उठने में पैम्परिंग का ज़रूरत होता है। तो उसको भी मैं थोड़ा गोदी में लेके बिठाया था, तो वो बोल रहा था कि क्या क्या ड्रीम देखा। अब रामायण हम लोग अभी देख रहे हैं ना, तो वो जो आरो फाइटिंग वगैरह चल रहा है, तो उसे वो ही सब याद आ रहा था। तो बोल रहा था कि सुई से सबको मार दिया ऐसा बोल के। तो वो भी अभी कार्टून देख रहा है, तो उसके पापा बाथरूम गए हैं। तो मैं उसी टाइम पे घर को अच्छे से पोछा लगा दूँगी चारों कोनों को। तो घर का पोछा होने के बाद मैं सारे कपड़े को तह लगा दूँगी और अपने अपने जगहों में रख दूँगी। तो आयुष के कपड़े मैं अलग रखती हूँ एक हमारा इस कबर्ड में स्पेस नहीं होता है इतना, तो उसका मैं एक ना एक और ऑर्गेनाइजर सेट किया है, तो उसमें रखती हूँ मैं। तो ऐसा है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो अभी मैं किचन को आ गया हूँ। अभी चाय बिठाऊँगी हम दोनों के लिए। चाय बिठा के मैं सारे बर्तन को अपने अपने जगहों में रिप्लेस कर दूँगी, क्योंकि वो सब अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अभी चाय में मैं पानी चढ़ाया हूँ, देन उसमें थोड़ा चाय मसाला जैसे कि लौंग, इलायची और ब्लैक पेपर, वो सबको अच्छे से कूट के मैं डाल दूँगी। देन उसमें चाय पत्ती और चीनी को भी ऐड करके
बिठा दूँगी। वो सब अच्छे से बॉईल होने के बाद मैं उसमें मिल्क ऐड करूँगी। दिन हमारा चाय होने के बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ, तो उसके लिए पोहा को अच्छे से धो के रख दिया है। देन उसमें हल्दी और नमक डाल के रख दिया है। देन इधर पैन में थोड़ा पीनट को ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इधर ऑनियन, जिंजर, ग्रीन चिल्ली और करी लीव्स और हाफ लेमन लिया है, तो ये सबको अच्छे से फाइनली चॉप करके रख दिया है। देन पैन में थोड़ा ऑयल डाल के मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड को डाल के क्रैकल होने के लिए छोड़ दूँगी। वो सब अच्छे से क्रैकल होने के बाद मैं उसमें ऑनियन को ऐड करके हाफ फ्राई करूँगी, पूरा फ्राई नहीं करूँगी। तो देन उसमें जिंजर और ग्रीन चिल्ली और थोड़ी सी करी लीव्स को भी डाल के उनका फ्लेवर आने तक पकाऊंगी। वो सब अच्छे से पकने के बाद मैं पोहा को भी ऐड कर दूंगी। पोहा में थोड़ा हल्दी कम लग रहा था तो मैं थोड़ा और भी हल्दी डाला था। तो ये देखिए, हल्दी डालने के बाद मैं थोड़ा चीनी भी डाल दिया है। तो ये सबको अच्छे से मिला के 5 मिनट के लिए मैं ढक कर और पकाया था। तो ये सब अच्छे से खिल के हो रहा था, पोहा अच्छे से खिल गया है, उसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया था, ड्राई हो गया था। देन उसमें पीनट्स और लेमन जूस ऐड करके मेरा अच्छा सा ब्रेकफास्ट हेल्दी वाला रेडी हो गया। तो यही तक था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।